तो हेलो ब्रोज और उनके सिस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल क्लियर ब्रो में। तो जब हम आ चुके हैं एक न्यू और अमेजिंग वीडियो के साथ, तो आज हम बात करेंगे कि आप जो है अपना ओपन ब्राउज़र कैसे बढ़ाओगे। तो उसी को देखते हुए मैंने लाया है टॉप 3 टिप्स एंड ट्रिक्स। सो वीडियो को समझने के लिए आप कुछ नहीं करना, बस वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए हुए, तभी वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, अब हम बात करेंगे कि आप जो है कैसे वेपन वाउचर लोगे। तो उसको लेने के लिए आपको पहले जाना होगा टिप्स नंबर 1 में। तो चलो फिर, तो सामने आपको दिख रहा होगा स्टोर, आप इसमें जाओगे। जाने के बाद आपको देगा रिडीम, रिडीम में आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखेगा गिल्ड टोकन, आप इसमें चले जाना। जैसे आप जाओगे आपके सामने एक स्टोर खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल, तब स्क्रॉल करना, आपको यहाँ दिख रहा है वेपन वाउचर। तो मेरा फिलहाल यहाँ सोल्ड आउट हो चुका है, यानी हमने जो खरीद चुका है। यहाँ आपको 5 वेपन वाउचर खरीदने को मिल जाता है, यानी ये जो 5 आपको खरीदोगे हर एक पैच अपडेट के बाद आपको मिलता है, यानी जब भी पैच अपडेट आएगा उसके बाद यहाँ 5 वेपन वाउचर आपको मिल जाएगा फ्री में। मतलब आपको उसके लिए कोई डायमंड पे नहीं करना होगा, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, उसके लिए आपके पास होना चाहिए गिल्ड टोकन। आपके पास अगर गिल्ड टोकन है तभी आप ले सकते हो, यानी आपको 50 गिल्ड टोकन चाहिए 5 वेपन वाउचर के लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे टिप्स नंबर 2 की। तो इसके लिए आपको इलाइट पास खरीदना जरूरी है, यानी अगर आप इलाइट पास परचेस कर चुके हैं तभी ये आपको मिलता है। तो चलिए बात करते हैं कैसे मिलता है। तो उसके लिए आपको जाना होगा फायर पास में। फायर पास में आप एंटर करने के बाद आप जितने यहाँ बैच में होंगे उसी के हिसाब से यहाँ शो करता है। तो हम लोग देखेंगे कि आपको कहाँ से मिलता है, यानी कितने बैच से आपको मिलता है वेपन वाउचर। तो फिलहाल मैंने यहाँ एलर्ट पास परचेस नहीं किया। अगर आप परचेस करोगे तो आपके बैच के हिसाब से आपका यहाँ सब कुछ अनलॉक होने लगता है। तो जैसे आप एलर्ट पास लेते हो, ठीक है, आपका 20 बैच कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ पहले वेपन वाउचर एक मिल जाएगा, यानी 20 बैच पे एक मिल जाता है। फिर उस तरह आगे बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ दिखेगा 90 में, यानी 90 में भी आपको एक मिलेगा। तो फिलहाल ये 2 ही वेपन वाउचर मिल सकता है आपको, ठीक है, पूरे एलाइट पास में। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली टिप्स नंबर 3 की। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस इवेंट का वेट करना पड़ता है, यानी जब भी आपको इवेंट आता है उसमें आपको वेपन वाउचर मिल जाता है। तो जैसे आपकी आपको हम दिखा दें क्या इवेंट आया हुआ है जिसमें आपको मिल सकता है, तो आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ आपको आएगा 23 से लेके अभी 1-2 तारीख तक कुछ इवेंट है, कोबरा स्पेशल इंटरपेस। तो इसमें आपको वेपन वाउचर यहाँ देखने को मिल जाता है, यानी हमको अभी कंफर्म यहाँ है नहीं कि आपको कितना वेपन वाउचर मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ से आपको फ्री में कुछ ना कुछ वेपन वाउचर मिल जाता है। सो आप अधिक से अधिक वेपन वाउचर कलेक्ट करने के लिए आप जो मैंने टिप्स बताए वो भी फॉलो कर सकते हो, या भी आप कोई इवेंट का वेट कर सकते हो। सो आप टिप्स को फॉलो करिए और अधिक से अधिक वेपन वाउचर कलेक्ट करिए। सो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, और वीडियो को शेयर करो यार। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।